जश्न है, जज्बा है, खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी है। हिंदुस्तान के सबसे दक्षिणी इलाके में अपनेपन का एहसास है, जो कल काले पानी के लिए कुख्यात था, आज अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। यहाँ जर्रे जर्रे में अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादती की कहानी है, तो छिपी है हिंदुस्तान के शूरवीरों की शौर्य गाथा, जिसे आज दुनिया सलाम कर रही है, देश नमन कर रहा है। वो तारीख थी 30 दिसंबर की और साल था 1943। दुनिया जंग की आग में झुलस रही थी, तो हिंदुस्तान आज़ाद होने के लिए छटपटा रहा था। देश बेचैन था, तो देश के शूरवीर बेताब थे। अंग्रेजों के भारत छोड़ने से भी पहले, हिंदुस्तान की आज़ादी से भी पहले, लाल किले पर तिरंगा लहराने से भी पहले, यहाँ हिंद के चाबाजों ने वो कर दिखाया जो तब किसी ने सोचा भी नहीं था। नेताजी की अगुवाई में यहाँ आज़ाद हिंद फौज के सूरमा रच रहे थे इतिहास। दिल्ली तक आज़ादी पहुँचने से पहले समंदर में हिंद के शूरवीरों ने अंग्रेजी हुकूमत का परचम उखाड़ फेंका। 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड में आज़ादी के मतवालों ने इतिहास बदल कर रख दिया। दूसरे विश्व युद्ध में तब जर्मनी, जापान और इटली के आगे ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्क पनाह मांग रहे थे। पश्चिम में हिटलर के हमलों से ब्रिटेन फ्रांस त्रस्त थे, तो पूरब में जापान का सूरज आसमान पर चमकने लगा था, और उसी चमकते सूरज के साथ नेताजी हिंदुस्तान की आज़ादी का ताना बाना बुन रहे थे। अंग्रेजों को जापान और नेताजी से पहली चोट मिली रंगून में। बर्मा से आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर जापान ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका, और फिर नेताजी का मिशन अंडमान निकोबार की ओर पर चला। मकसद था पोर्ट ब्लेयर पर कब्जा करना। साल 1942 में आज़ाद हिंद फौज और जापान ने अंडमान निकोबार पर हमला किया। वहां अंग्रेजी फौज की छोटी सी टुकड़ी मौजूद थी, 300 हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ 23 ब्रिटिश अफसर जुल्म की नई नई कहानी लिख रहे थे। लेकिन आज़ाद हिंद फौज के हमले के साथ ही उन्होंने हथियार टाल दिए। मार्च 1942 तक अंडमान से अंग्रेजी निशान मिटाए जाने लगे, बंदी बनाए गए अंग्रेज अफसर रंगून भेज दिए गए, और उनकी ओर से लड़े हिंदुस्तानी सिपाहियों ने भी नेताजी की अगुवाई में देश को आज़ाद कराने की शपथ ले ली। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की हुकूमत वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जापान की सेना ने हमला बोल दिया। अंग्रेजों के खिलाफ हुई इस लड़ाई में आज़ाद हिंद फौज ने एक अहम भूमिका निभाई थी और जापान की सेना का भरपूर साथ दिया था। जब आपको बताऊं, 23 मार्च 1942 को ये लड़ाई खत्म हुई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उस पर जापान का कब्जा हो गया। अंग्रेजों को जब जापान की सेना ने शिकस्त दी, तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो भूमिका है उसे मान्यता दी और इनाम के तौर पर आजाद हिंद फौज की सरकार जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कायम की। हालात बदल रहे थे और आजाद हिंद फौज के शौर्य को दुनिया ने सलाम करना शुरू कर दिया था। अक्टूबर 1943 आते आते दुनिया के कई देशों ने अंडमान निकोबार में आजाद हिंद फौज की सत्ता को मंजूरी दे दी। 7 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का शासन आजाद हिंद फौज को देने का मन बना लिया। फिर नेताजी अपने कई साथियों के साथ अंडमान पहुंचे और अंडमान द्वीप का नाम बदलकर शहीद रख दिया गया, तो निकोबार को स्वराज का नाम दिया गया। आजादी अभी दूर थी, लेकिन अंडमान में तिरंगा लहरा रहा था पूरे आन बान और शान के साथ। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के अस्त होते सूरज के साथ ही अंडमान की तकदीर भी बदल गई, लेकिन इतिहास में हिंद के शूरवीरों का शौर्य दर्ज हो गया। 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आज़ाद हिंद फौज का परचम लहराया, जिसके लिए कई हिंदुस्तानियों ने कुर्बानी दी, और अब 75 साल बाद पीएम मोदी उस शहादत को सलाम कर रहे हैं। साइकिल के पहिए के बनावट की एक ऐसी जेल जिसमें फंसकर हजारों हिंदुस्तानियों की जिंदगी जहन्नम बन गई। 693 काल कोठरियों की एक ऐसी इमारत जिसमें न जाने कितने देश के सपूतों को फांसी पर लटका दिया गया। तोप से उड़ा दिया गया तो कितने ही लोगों ने जेल की दोजख जिंदगी से तंग आकर खुद को ही फांसी लगा ली। जेलर डेविड बेरी और मेजर पीटरसन वॉकर की ये जेल, जिसमें बेइंतहा जुल्म और अत्याचार की इबारत लिखी है,
हिंदुस्तान की ये वो जमीन है जो तोप बंदूक और कोड़ों की आवाजें सुनकर न जाने कितनी ही बार रोई होगी, जिस टापू के आसमान ने युद्धबंदियों की चीखें सुनी होंगी, आहें सुनी होंगी। नीले समंदर के बीचों बीच बनी ये जेल कल का काला पानी रही है, क्रूरता और कलपते इंसानों की धरती रही है। अंडमान के खूबसूरत द्वीप पर बनी ये एक ऐसी जेल रही है जो यमराज के बुलावे से भी ज्यादा खौफनाक रही है। हम अंडमान की उसी जेल में दाखिल हुए जिसमें साल 1906 के बाद दाखिल होते वक्त कैदियों का पूरा जिस्म कांप उठता था। समंदर से लंबे सफर के बाद लाए गए कैदियों को जहन्नम की दहलीज लांघने का एहसास हुआ करता था। तब ये जेल आज की तरह चमकती नहीं थी, इसकी दीवारों में बेहद बुरी सीलन हुआ करती थी, खुले मैदान में खून से लथपथ कैदी हुआ करते थे, तो आबो हवा में चीख पुकार और गाली गलौच हुआ करती थी। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी, ये जो पूरा एरिया है इसको अभी फिलहाल कवर कर दिया गया है, इसे वर्क शेड कहते हैं। पहले ये बिल्कुल खुला हुआ करता था और यहाँ कार्यस्थली थी तमाम कैदियों की, और खुला मैदान हुआ करता था। अभी फिलहाल यहाँ ये शेड है और यहाँ पर तमाम कैदियों को काम के लिए लाया जाता था, और क्या काम दिया जाता था उसको सुनकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। जी हाँ, ये कोहलू आप देख रहे हैं, आप इस कोहलू को देखिए। इस कोहलू में आमतौर पर बैल को जोता जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसानों को जोता जाता था एक दिन में। जी हाँ बिल्कुल, आपको बता दें एक दिन में 10 पाउंड सरसों का तेल जो है वो निकालने की उम्मीद अंग्रेजी प्रशासन जो है वो करता था इस कोहलू में जुतने के बाद तमाम कैदियों से। तो सोच के देखिए, ये एक असंभव कार्य होता था, लेकिन अगर आपने जो तय सीमा है उसके मुताबिक अगर तेल नहीं निकाला तो फिर आपकी कोढ़ों से पिटाई होती थी, और रात के वक्त भी आपको दोबारा खाना देने के बाद कोहलू से जोत दिया जाता था कि आप दोबारा तेल निकालें। यहाँ सरसों का ही नहीं बल्कि नारियल का तेल भी निकलवाया जाता था। पहले नारियल को किसी एक शख्स को काम में लगाया जाता था कि वो नारियल का जो खोल है, छिलका है, उसे यहाँ पर उतारे और उसको दिन में एक तय सीमा के हिसाब से नारियल जो है वो छीलने होते थे। फिर एक कैदी को काम दिया जाता था कि उस छिलके से रस्सियाँ जो है वो बनाएं, और ये काम वो खुले में करते थे, कड़ी धूप हो, बरसात हो, उन्हें चुपचाप इस काम को करते रहना पड़ता था। इस जेल को लेकर अंग्रेजी हुकूमत ने कई नियम बना रखे थे, लेकिन जेल के अंदर कोई कानून नहीं था। यहाँ जाने कितने लोगों के पैर लकड़ी के इस फ्रेम में बांधे गए होंगे, कमर पर बेल्ट बांधी गई होगी और फिर कोड़ों से पीठ की खाल उधेड़ ली गई होगी। लाल ईंटों से इस जेल को बनाने का काम तो बाद में शुरू हुआ। अंडमान की यह धरती उससे 48 साल पहले ही खून से लाल होनी शुरू हो चुकी थी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस टापू को ही जेल में तब्दील कर दिया था, जिसकी चारदीवारी कुदरत ने खुद ब खुद तैयार कर रखी थी। जेल के अंदर अंग्रेज जान लेने पर आमादा बैठे रहते थे, तो जेल के बाहर समंदर का खारा पानी निगलने को बेताब बैठा रहता। इस जेल में कैदियों को सुबह शाम से लेकर रात तक हर पल हर घड़ी में अत्याचार के नए नए तरीकों से रूबरू होना पड़ता था। अंडमान की ये जेल आज भी याद दिलाती है कि देश की आज़ादी कैसे एक गोल संरचना में अंग्रेजों ने कैद कर रखी थी। लाल ईंट की ये दीवारें आज भी याद दिलाती हैं कि आज़ादी के लिए देश के सपूतों ने कितने अत्याचार सहे।